नमस्कार किसान भाइयों, गुप्ता डेयरी फार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर आप सभी के बीच में एक वीडियो लेकर आए हैं HF काउ, जो कि हमारी सेल आउट होकर महाराष्ट्र के एरिया में जा रही है। आइए जानते हैं जो किसान भाई हमारे पास आ रखे हैं, कैसा उनका अनुभव रहा। सर, अपने बारे में बताइए आप। मैं सरफराज शेख जी, और मैं पुणे से आया हूँ, पुणे मेन सिटी कोंडवा से जी। और यहाँ पे हमारा गुप्ता फार्म में सेकंड लॉट है जी। पहला लॉट हमने 10 का लिया था, जो पूरा सक्सेसफुल रहा जी और सबसे बढ़िया रहा जी। अभी हमने एक महीने के अंदर दूसरा लॉट लिया है, ये हमने भी 10 प्लस गाय हमने फिलहाल में ली है, और ये सारे गाय जितने लगे ये सारे हमारे ही है, ये सारे गाय। बिल्कुल सर। सर, आपने कितना दूध देने वाला गायें लिया है और क्या मिल्किंग कैपेसिटी आपने उनकी देखी, कितना टाइम आपने चेक किया, हमारे कस्टमर्स को आप बताइए जो आपकी ये वीडियो देख रहे हैं। रिक्वायरमेंट रखा था 20 से 25 लीटर का जी, और सारा गाय हमें वही रेंज में मिला है, एक भी गाय नीचे नहीं है जी। और पहले भी हमने रिक्वायरमेंट उतना ही दिया था और हमें पूरा दूध उतना ही मिला जी, तो उसमें कुछ संकोच नहीं हुआ हमें कि इसमें कम है, ज़्यादा है, ये है वो है, हमेशा ज़्यादा ही मिला जी, कम कुछ नहीं मिला इसमें। कॉस्टिंग बताओ थोड़ा सर, अपना कॉस्टिंग बताओ आपने। कॉस्टिंग जब हमने फर्स्ट टाइम लिया था तो कॉस्टिंग हमने 55 से 60 के रेंज में ली थी, सारे 55-60 प्लस ही थे जी, और अभी भी आए हैं तो थोड़ा मार्केट ऊंचा है, बट इसी रेंज में हमने सारी गाय खरीदी। अपनी मराठी लैंग्वेज में बोल दीजिए जो कोई अपने महाराष्ट्र के किसान भाई देख रहे हैं। मैंने ऐसा कहा नहीं है, जे कई गाय आम्ही फोनवर बघितले, फोनवर चर्चा केली, जे त्यांनी आम्हाला दाखवलं तेच आम्हाला इथे भेटले, आणि प्रत्येक याच्यामध्ये फुल सॅटिस्फॅक्शन आहे, पूर्ण एकदम मनापासून झालेलं आहे, आणि सर्व्हिस पण खूप चांगली आहे, राहिल्यांचं रूम आहे, पिकअप ड्रॉप आहे, दोन्ही टाईमचं जेवण पण आहे, कोऑर्डिनेशन चांगलं आहे पहिली गोष्ट म्हणजे तर, आणि स्वभाव चांगला आहे, माणसाचा स्वभाव चांगला असला तर बाकीच्या गोष्टी सगळे चांगलं होतात हे असं म्हटलं जातं, आणि हे आम्ही अक्षरशः इथं येऊनच पाहिलं की बाबा आम्हाला जे हवं ते इथं स्वभावाच्या हिशोबाने आम्हाला भेटलं सगळं। सर, आप बताइए हमारे बारे में, मराठी में बोलिए आप। माझं नाव समीर शेख, मी राहतो पर्वतीला, दरपरा हा माझा भाऊ आहे, हा इथं आधी येऊन गेला आहे, ह्याची दुसरी वेळ आहे आणि मी त्याच्याबरोबर त्यावेळेस आलो आहे की बाबा कसं काय आहे ते बघायला, जस मी एन्जॉयच्या हिशोबात आलो होतो, मला बरंचसं ज्ञान भेटलं ह्याच्यातनं जी, की कसं करतात, कसं आता पुण्यातून आपण इतक्या लांब येणार आहे, इतक्या लांब आल्याच्या नंतर आपल्याला कुठल्या प्रकारची फसवणूक किंवा कुठला त्रास, थोडक्यात म्हणजे वातावरणात बदल होतं, राहणीमानात बदल होतो, हवामान हे ते, तर यांचं जे कॉपरेट होतं इथं आल्याच्या नंतर, यांनी जे सांगितलं राहायला रूम, थंडीपासनं, जेवण वगैरे एकदम पद्धतशीर आहे, दुसरी गोष्ट रूम वगैरे तर त्यांनी दिलेले, जेवण आपलं आहे, पण दुसरी गोष्ट यांचं जे कॉपरेट होतं यांच्याकडं, समजा जे जनावर आहेत ती जरी आपल्याला, तर यांचं हे एवढं कॉपरेट करतात की त्यांच्या ओळखीतनं, त्यांच्या माहितीतनं, त्यांच्या रिलेशनमधनं हे थोडंफार इकडं तिकडं करून चांगल्यातली चांगलं जनावर घेऊन देतात, मार्गदर्शन केलेलं, आणि फसवणुकीचा विषयच नाही आहे, कारण की आम्ही एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, माझी तर फर्स्ट टाईम आहे, पण 1001% म्हणजे 100% ओके, काही विषय नाही या गोष्टीवरती। जय जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। तो खुश है सभी, कुल मिला के किसान भाई संतुष्ट है, बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड है। तो अब इनकी गायें भी हम दिखाते हैं, ये अभी पेंडिंग है, इसको देखो टाइम पेंडिंग है अभी भी, फिर भी जिस हिसाब से अडर बना रही है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का अडर इसने बनाया है, 30 लीटर मिल्किंग कैपेसिटी रहे। आइए अब इन एनिमल्स की लोडिंग करते हैं, एक एक एनिमल इसमें आपको सेपरेटली दिखाए जाएंगे। देखिए जिसकी अभी हम बात कर रहे थे 30 लीटर, ये इजिली दे देगी, फुल हैवी हाइट लेंथ और अच्छे ब्रीड क्वालिटी की गायें हैं, और इसको अभी टाइम पेंडिंग है, वो 10 से 15 दिन का टाइम पेंडिंग, अगर रास्ते में ही बच्चा देते तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ट्रेंड लेबर जो है इस गाड़ी के साथ जा रहा है बिल्कुल। ये देखिए सेकंड नंबर वाली, ये भी बड़े आराम से 30-32 लीटर दूध देगी, इसको भी 15 से 20 दिन का टाइम पेंडिंग है, बहुत ही हैवी बॉडी स्ट्रक्चर की कम्पैक्ट अडर की इन्होंने गायें लिया सभी। देखिए थर्ड नंबर वाली भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है, ये देखिए 3 इन्होंने ये बछड़ियाँ ली हैं, बछड़िया का ये सेकेंड फर्स्ट लैक्टेशन में तीनों काविंग करेंगी, और एक्सपेक्टेड जो मिल्क कैपेसिटी रहेगी इनकी वो 25 प्लस रहेगी, बहुत ही फुल हाइट लेंथ ही हैं, ब्रीड करेक्टर क्वालिटी बहुत शानदार है, ठीक है ना। अपने पास ये सेकेंड टाइम आके दोस्तों ले रहे हैं पशु, ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की हैं, जिनको अभी लगभग एक एक महीने का टाइम पेंडिंग है, कोई मुँह से 2 दांत है, कोई तो 4 दांत है बस,
दौड़ चार दांत इन्होंने ली हैं ये बछड़ियाँ, ठीक है ना। ये पीछे वाली चार दांत है दोस्तों, ये सेकंड लैक्टेशन में काविंग करेगी, वो आगे वाली पहले लैक्टेशन में बच्चा देगी। ये देखिए उनकी ये सातवें नंबर वाली गाय देख पा रहे होंगे आप, जो कि सेकंड लैक्टेशन में काविंग करेगी। और अभी ये इसको वन मंथ पेंडिंग है, बहुत ही शानदार क्वालिटी की ब्रीड करेक्टर देख पा रहे होंगे आप। ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों हमारी सप्लाई की फैसिलिटी है, और हम लोग HF का साहिवाल गिर राठी थारपारकर मुर्रा भैंसों में डीलिंग करते हैं। वीडियोस हम लोग रेगुलर आपसे डाला करेंगे, बीच में जो है 2-3 महीने से हम लोग रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे आप सभी भाइयों के बीच में। ये देखिए बहुत ही शानदार क्वालिटी की ये वाली गायें जो है, इसको अभी टाइम पेंडिंग था कोई लगभग 1 महीने का टाइम पेंडिंग है, और अपने सेकंड लैक्टेशन में एक्सपेक्टेड मिल्किंग कैपेसिटी 30 लीटर रहने वाली है। आप देख पा रहे होंगे क्वालिटी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, फेस क्वालिटी बहुत ही शानदार। तो दोस्तों आपको आप हमारे पास हर समय अच्छी क्वालिटी की काउस एंड बफलोस मिलेंगी सेल के लिए। ये देखिए ये बहुत ही सुपर डुपर इन्होंने जो गायें ली थी, जिसकी एक्सपेक्टेड मिल्किंग कैपेसिटी 40 लीटर रहेगी, फुल हाइट लेंथ की, हल्का सा क्रॉस था इसमें, लेकिन उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा क्रॉस रहेगा तो वो भी बढ़िया है, और प्योर ब्रीड भी चल जाती है। लेकिन अगर 10-15% क्रॉस करेक्टर रहता है दोस्तों पशुओं में, तो वो कोई भी दिक्कत नहीं फेस करने देते। फुल हाइट लेंथ की थी। जो कोई भी किसान भाई ये वीडियो देख रहा है, पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो दिए गए नंबरों पर भी संपर्क करें, और हमारा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स के लिए। आज से हम आप सभी भाइयों के बीच में रेगुलर वीडियो अपडेट लेके आएंगे।